चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं, बुरी यादों को डिलीट कर अच्छी यादों का स्क्रीनशॉट रखते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। 2023 मुश्किलों से गुजरा, 2023 मुश्किलों से गुजरा तो उसे रीसेट करते हैं, 2024 का नया सिम कार्ड बदलते हैं। चलो लाइफ को मोबाइल समझते हैं। जो आदतें पड़ गई हैं बुरी, जो आदतें पड़ गई हैं बुरी, उन्हें ब्लॉक करते हैं और 1 जनवरी से अच्छी आदत को अनलॉक करते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। दिल के डीपी में अपने इष्ट और गुरुदेव का फोटो सेट करते हैं, दिल के डीपी में अपने इष्ट और अपने गुरुदेव का फोटो सेट करते हैं। विश्वास का ऐप डाउनलोड कर डाउट को फॉरगेट करते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। इस साल गुस्से को भी फिल्टर करते हैं, इस साल गुस्से को भी फिल्टर करते हैं। प्यार और रिश्तों के लिए कुछ स्टोरेज बचा कर चलते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। अगले 365 दिन रोज सुबह उठकर भगवान जी को वीडियो कॉल करते हैं, अगले 365 दिन रोज सुबह उठकर भगवान जी को वीडियो कॉल करते हैं और लो बैटरी होने से पहले कुछ हेल्दी खाकर वॉक पर चलते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। अगले 1 साल अपने गोल्स को फोन करते हैं, अगले 1 साल अपने गोल्स को फोन करते हैं और मैसेज में खुद को सेल्फ लव की बातें लिखकर सेंड करते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। साल भर के लिए पॉजिटिव सोच का अलार्म सेट करते हैं, साल भर के लिए पॉजिटिव सोच का अलार्म सेट करते हैं और 2024 को फोन के नए कवर की तरह वेलकम करते हैं, नए जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। इन कुछ पंक्तियों के साथ आप सभी को जॉर्जियन कैलेंडर के नए साल 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम जानने वाले हैं कि 2024 में ऐसी कौन सी घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं जो आप रोक नहीं पाओगे, 100% आपके साथ होकर के ही रहेंगे। अब ये ध्यान देना, मैं घटनाएं कह रही हूं, दुर्घटनाएं नहीं कह रही हूं। और मेरा आउटलुक तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है कि आपके साथ कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं, कौन कौन सी बातें आपके साथ होने वाली हैं, कौन कौन से चमत्कार आपके साथ होने वाले हैं 2024 में, वो ही हम आज जानेंगे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप स्वयं ही अपनी जन्म कुंडली में देख सकते हैं कि कौन सी महादशा आपको सबसे ज्यादा पैसा देगी, कौन सी महादशा आपकी कौन सी ग्रह की आएगी जिसमें आप सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होगे, नाम कमाओगे, पैसा कमाओगे। So, let's get started. ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशि नहीं मालूम है तो अपनी नाम राशि से भी आप देख सकते हैं और साथ ही में जो मुझे इंट्यूशन प्राप्त होती है, जो आभास महसूस होते हैं, उसके माध्यम से मैं आपको ये राशिफल बता रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है इस राशिफल में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आप सभी को बताते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि 31 दिसंबर 2023 को नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। उस दिन महादरबार भी लगेगा। आप सभी अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए निशुल्क आ सकते हैं। एक नारियल लाल कपड़े में बांध करके आप आए। उस दिन विशेष मंत्र सिद्धि आपके नारियल की जाएगी जिससे कि आपकी समस्याओं का निवारण होगा। साथ ही नवग्रह शांति का यज्ञ होगा। जो लोग आ सकते हैं स्वयं आकर के अपने नाम से आहुति प्रदान करें, जो नहीं आ सकते हैं घर बैठे भी आप आहुति प्रदान कर सकते हैं। इस यज्ञ में जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। शाम के समय नवग्रह शांति कथा का भी आयोजन होगा। जो भी मनुष्य नवग्रह की कथा का श्रवण करता है उसके कुल में सभी दोषों का समाप्ति होती है। कोई भी दोष अगर चला रहा है आपके घर में, जो उतर ही नहीं रहा, घर वाले सब परेशान है, तो नवग्रह कथा का श्रवण कीजिए। हमारी ओर से इस नवग्रह शांति महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगता है। अगर आप व्यवस्था में कुछ योगदान देना चाहें या अपने आहुति के लिए आप कुछ दक्षिणा भेजना चाहें तो
तो वो आपकी इच्छा है। जिनको धन की समस्या है चिंता मत करो, एक रुपया भी भेजोगे तो भी उतने ही प्रेम से हम आपके लिए यज्ञ में आहुति प्रदान करेंगे। यूट्यूब पर आप उसे लाइव देख सकते हैं। हमारे सभी जितने भी मंदिर के फोन है उन सभी पर स्टेटस लगा दिया जाएगा, तो उस लिंक को फॉलो करके आप यूट्यूब पर लाइव हमसे जुड़ सकते हैं। इस राशिफल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तन मन धन और भजन। सबसे पहले जानेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हेल्थ इश्यूज कैसे रहेंगे, कोई अगर आपको हेल्थ में डिस्टरबेंस हो सकती है तो उसे जानेंगे। सेकंड जानेंगे आपका मन, यानी कि आपका लव, आपका रिलेशनशिप, आपकी फैमिली कैसी रहेगी। तीसरे नंबर पर जानेंगे आपके धन, यानी आपका जॉब, बिजनेस, करियर कैसे रहेंगी, ये सारी चीजें। और चौथा लास्ट में जानेंगे कि स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी आध्यात्मिक उन्नति इस वर्ष में होगी या नहीं होगी, भगवान की कितनी कृपा मिलेगी, भगवान की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज अगर आपके लिए है तो वो भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि वालों, तन की दृष्टि से देखें, यानी आपकी हेल्थ की तरफ से देखें, तो ये जो साल है इसमें 2 समस्याएं मुझे मेजर आपके लिए दिख रही हैं। सबसे पहले तो है आपका गुस्सा, आपको थोड़ा गुस्सा बीच बीच में ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से आपके बॉडी में प्रॉब्लम होगी, यानी कि थोड़ा सा बीपी आपका हाई रह सकता है, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती मुझे दिखाई दे रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि सोचोगे सोच सोच के आपको गुस्सा आएगा, उस गुस्से की वजह से हेल्थ थोड़ी बिगड़ सकती है, बीपी अप एंड डाउन हो सकता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम काफी लोगों के लिए दिखाई दे रही है, पेट में जलन होना, बदहाजमी होना, थोड़ा सा मेंटल इश्यूज भी कुछ लोगों को हो सकते हैं, यानी कि साल के मध्य में आपको थोड़ा डिप्रेशन जैसा फीलिंग हो सकता है, आपको काफी नकारात्मक लग सकता है, तो अवॉइड कीजिए नेगेटिव लोगों के साथ में समय बिताने से, और पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताएंगे, खासकर नेचर के साथ अगर आप समय बिताएंगे, कुछ फूल पौधे मुझे लगता है आपको लगा लेने चाहिए अपने घर में, और नए नए साल भर में लगाते रहने चाहिए, जिसमें फ्लावर्स आए, जिसमें पौधे आए, जो सदाबहार फूल होते हैं वो लगाइए घर में, उसको देख करके उसको सींच करके आपका मूड जो है वो अच्छा रहेगा। बाकी हेल्थ में बात करें तो अच्छा ही है, मोर ओवर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये 2 प्रॉब्लम्स आपकी मेन मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो लोग अल्कोहल का यूज करते हैं तो वहां उन्हें थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है, वरना उससे आपको दिक्कत हो सकती है। गुस्सा जैसे हम बता रहे हैं कि गुस्सा और ज्यादा बढ़ सकता है, वहां दिक्कत है। अगर आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो कुछ फेफड़ों संबंधित आपको दिक्कत हो सकती है, तो आपको उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। बाकी मेजरली बात करें तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे थोड़ी वायु तत्व जो है आपका वो ज्यादा प्रबल होते दिख रहा है, तो बॉडी में आपको उस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कभी कभी आपको थोड़ा सर्दी में थोड़ा एक वगैरह हो सकता है पूरी बॉडी के जोड़ों में, और थोड़ा बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, अचानक से ऊर्जा का उठना, अचानक से आपको गुस्सा आना, ये समस्याएं हैं, वरना 2024 में आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। मेष राशि वालों, आपकी लव रिलेशनशिप या आपकी फैमिली को लेकर के बात करें तो उसमें थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं 2024 में। एक तरफ तो दिख रहा है कि आप जो है अपने फैमिली लाइफ में इस समय में काफी समय देंगे, लेकिन अचानक से वहां ब्रेक भी लगेगा, अचानक से फिर समय देंगे, फिर ब्रेक लगेगा, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो अप एंड डाउन आपकी लव रिलेशनशिप में कहें या फैमिली लाइफ में कहें तो अप एंड डाउन है। अगर कुछ लोगों का ऑलरेडी केस चल रहा है किसी अपनी फैमिली को लेकर के या अपने रिलेशनशिप को लेकर के, शादी को लेकर के, तो वहां थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ा अटकाव इस साल में आपको महसूस हो सकता है। आपको कुछ प्रैक्टिकल प्लानिंग करने की जरूरत है, आपको अपने सामने वाली पार्टी से ढंग से बात करने की जरूरत है, वहां थोड़ी कमी दिख रही है कि कुछ चीजों का आप अवॉइड कर रहे हैं, तो अवॉइड करने से आप रिलेशनशिप को कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। आप इस समय में अपनी जबान पर थोड़ा काबू रखें, अपने शब्दों को देखभाल करके ही आप घर में चैन करें, बाहर जो कहना है कहो, घर में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी कही हुई बातें लोग अन्यथा लेंगे, गलत लेंगे, उनको ज्यादा चुभेंगी, तो वहां थोड़ा आपको ध्यान देना है, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। ऑल टुगेदर छोटी छोटी चीजों को ना देखते हुए अगर सामने वाला भी आपको कुछ कह देता है, जैसे आपको मैं बता रही हूँ कि आपको गुस्सा आएगा, तो गुस्सा आएगा, सामने वाले की बात पे आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि उसको थोड़ा इग्नोर करने की जरूरत है, और आपको ओवरऑल सारी बात समझने की जरूरत है कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है, क्या उसके पीछे रीजन है। वो करोगे तो आपकी फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं होगा, वरना थोड़े पटाखे बजते हुए तो इस समय पे मुझे 2024 में दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को नए दोस्त मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका कुछ नया रिलेशनशिप कई लोगों के लिए स्टार्ट होता दिखाई दे रहा है, और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं तो भी कोई नया दोस्त आपके जीवन में जरूर आएगा, जिसको से साथ एक अच्छा रोमांटिक इंटरेस्ट आपका डेवलप होता दिखाई दे रहा है, तो ये अच्छा ही लग रहा है।
अगर आपने अपने पार्टनर को कमिटमेंट कर रखा है कि आप शादी करेंगे या आप प्रपोज करना चाहते हैं 2024 में शादी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा दिख रहा है उनके घर वालों की तरफ से या उनकी तरफ से भी आपको काफी परखा जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। तो इतनी इजीली लव मैरिज आपकी होती नहीं दिखाई दे रही, आपको काफी सारी परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, काफी सारे क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे, तभी जाके होगा। अरेंज मैरिज में भी कुछ लोगों की सेटिंग ऐसी दिख रही है कि वो रुक रुक के काम होगा। तो इसलिए ऐसा मैरिज के रिलेटेड बात करें या लव को लेकर के बात करें तो ऑल टुगेदर तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन अप एंड डाउन इस साल में आप देख सकते हैं और आप ही खराब करने वाले हो सकते हैं। इसीलिए अपनी जबान को, अपनी बातों को थोड़ा प्यार से कहना सीखिए ताकि आपका जो फैमिली लाइफ है, आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप है, वो इफेक्ट ना हो। नमस्ते, माय नेम इज डॉक्टर हेफोइन, ऑल द वे फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग। I'm in India right now, in New Delhi. I just came to visit my Guruma, which is Guruma Rukmani. I've had a very wonderful experience with her. I've known her for over 5 years. For many years, I've been coming to India every single year, coming to see her. So I just want to say thank you to you, Guruma, for the wonderful work that you are doing. I wish you many more years, and may you at all times receive the blessings of the Guru and of the gods. Om Asatoma Satkamaya Tamasoma Jyoti Kamaya. Thank you so much. मेष राशि वालों, धन की दृष्टि से आपके लिए देखो तो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ पैसे को आप ने खराब किया है, अभी पास्ट में आपका कोई पैसा खराब हुआ है, वो भी उसकी क्षतिपूर्ति 2024 में होती दिखाई दे रही है। आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, कोई ऐसी विश है आपकी धन को लेकर के या गोल है आपका जो आपने सोचा हुआ है वो 2024 में जरूर पूरा होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। एक स्टेबिलिटी आपकी आएगी, आपका खर्चा जरूर ज्यादा होगा इस समय में, वो भी आपके घर में कोई सेलिब्रेशन होगा जिसके ऊपर खर्चा होगा और कुछ लेडीज पे ज्यादा खर्चा होता दिखाई दे रहा है, लेकिन वो खर्चा भी आप खुशी से करेंगे, उसमें कोई बोझ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि पैसा इकट्ठा तो आपके पास जरूर होगा, चाहे कितना भी खर्च हो जाए, लेकिन वो खुशियों पर खर्च होगा, वेकेशन पे खर्च होगा, सेलिब्रेशन पे खर्च होगा। तो आप पैसे को स्टेबिलिटी से मैनेज कर पाएंगे, पैसे को ग्रोथ कर पाएंगे, यानी कि 2023 में जो आपके पास पैसा था 2024 के अंत तक, उससे ज्यादा तो आपके पास जरूर सेविंग्स होगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। काफी सारे लोग मुझे इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म करती दिखाई दे रहे हैं, किसी बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी के साथ कुछ लोग पार्टनरशिप करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें तो धन को लेकर के भाग्य आपका साथ देगा और आप कई सारे जगहों से पैसा कमा सकते हैं, सिर्फ एक ही इस साल में नहीं दिख रहा है कि आपको पैसा मिलेगा, पैसा कई सारी जगहों से मुझे दिखाई दे रहा है कि अलग अलग जगहों पर आप ट्राई करेंगे, अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम आपके बनेंगे जहां से पैसा आपको 2024 में आएगा। कुछ कहीं इन्वेस्टमेंट से आ सकता है, किसी को आपने पैसा उधार दे रखा है वहां से लौट के आ सकता है, या कुछ लोगों का अगर ऐसा काम है जहां आप सेलिब्रेशन वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि कोई पार्टी शादी आपका बैंक्वेट है या इस तरीके का कोई काम है, तो वहां आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और कुछ लोगों का, जैसे मैंने आपको बताया, पैसा अगर कहीं वेस्ट हो गया है उसकी पूर्ति भी आप इस साल में जरूर कर पाएंगे। मेष राशि वालों, 2024 में आप ज्यादा समय अध्यात्म में देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको देना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है संसारिक कार्य करते करते आपका ध्यान जो है वो भटकेगा, लेकिन साल के मध्य में और साल के अंत में दोनों ही टाइम पे आप खींच के उस ध्यान को वापस लाओगे, भगवान में लगाओगे। अपने आप को अपने कुसंगति से बचाना है, कुछ अच्छा सुनते रहो, भगवान विष्णु की कथा कुछ लोगों को श्रवण करने का अवसर एक साल में मिल सकता है, या आप पाठ भी शुरू कर सकते हैं विष्णु जी का, या उनके किसी भी लीला का वर्णन आप कर सकते हैं या सुन सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। वहां से आपको कुछ नए आइडियाज आएंगे अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, और कुछ कृपा भी उनकी आपको विशेष वहां से प्राप्त होगी। अगर लक्ष्मी आपको लग रहा है आपसे रूठी है, आपको नहीं लक्ष्मी जी प्राप्त हो रही है, तो विष्णु भगवान की पूजा करो, वहां से या जैसे अवसर मिलेगा विष्णु भगवान की कथा सुनने को, वहां से माता लक्ष्मी भी आपके साथ जुड़ जाएंगी। तो ये था जो मुझे आपके चारों लाइफ के कोनों में दिखाई दिया है कि क्या क्या होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ ताकि सारी घटनाएं आपके लिए प्रिय हो, अच्छी हो। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, गुरुमा अच्छा समय कब आएगा?
तो आज आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रही हूं जिससे आप स्वयं ही देख सकते हो कि आपका अच्छा समय यानी कि तो बेस्ट महादशा आपकी लाइफ की कौन सी है, कौन से में आपको नाम भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। तो उसको अपनी जन्म कुंडली से कैसे चेक करें ये समझ लीजिए। अभी एक एग्जाम्पल कुंडली लेते हैं, उसके माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। आपने अपनी जन्म कुंडली को खोल लेना है, उसमें जो लगन चार्ट है, जो लगन टेबल लिखा होता है, उसको आपने देखना है। ये एग्जाम्पल कुंडली में हम ले रहे हैं 17 दिसंबर 1996 6:10 AM आगरा यूपी। कुंडली आपके साथ स्क्रीन पर आ रही होगी। इसके अंदर वृश्चिक लगन की ये कुंडली है और चंद्रमा इनके क्योंकि 11वें में बैठा है तो कुंभ इनकी राशि है। अपने लगन चार्ट में आपने सबसे पहले देखना है आपका फर्स्ट हाउस यानी पहला घर जो है उसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है? क्योंकि हमारी पूरी कुंडली का जो फल है, जो हमारी कुंडली का जो जो भी अच्छे फल है, बुरे फल है, किसको मिलते हैं? लगन को मिलते हैं। लगन कौन है? हम स्वयं है। तो लगन में आपको देखना है कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है। सबसे पहले एक साथ में पेपर पेन लेके चलो ताकि कैलकुलेशन इजी से कर सको। झटपट कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, कर लोगे। तो सबसे पहले फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर लिखा है, लगन में कौन सा नंबर लिखा है, उसको नोट कर लो। सेकंड आपने नोट करना है जो आपका द्वितीय घर है, सेकंड हाउस है, उसमें कौन सा नंबर लिखा है वो नोट कर लीजिए। फिर आपने फोर्थ हाउस में नोट करना है कौन सा नंबर लिखा है आपका। फोर्थ हाउस आपकी सुख संपदा का हाउस है, जहां पर आप लग्जरीज अनुभव करते हैं, आपका घर जो है, वाहन जो है, अच्छी चीजें भोग पाएंगे, नहीं भोग पाएंगे, कितना सुख आप उठा पाएंगे जीवन से, वो सारी चीजें हम चौथे घर से देखते हैं, उसका नंबर नोट कर लीजिए। नाइन्थ हाउस में यानी आपके भाग्य के अंदर कितना बल है, कितने अच्छे ग्रह वहां बैठे हैं, या कौन सा ग्रह है जो आपको भाग्य उदय करेगा, तो भाग्य वाला नाइन्थ हाउस का आपने नंबर लिख लेना है। उसके जो भी राशि पड़ी उसका नंबर लिख लो। और लास्ट में एकादश भाव, एकादश भाव हमारा वो है जहां से धन आता है, जो भी हम कार्य करते हैं, जो हमारी इच्छाएं, उस इच्छाओं के लिए जो कार्य करते हैं, वहीं से वो पैसा आता है और आकर के सेविंग्स यानी द्वितीय घर में बैठ जाता है। चलिए एग्जाम्पल कुंडली से इसे समझ लेते हैं। जो फर्स्ट हाउस है उसमें 8 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है? जो द्वितीय घर है, जो सेकंड हाउस में, उसमें 9 नंबर लिखा हुआ है। अब जो चौथा घर है उसमें 11 नंबर लिखा हुआ है। जो नवम घर है इनका, उसके अंदर आपका 4 नंबर लिखा हुआ है। और जो आपका एकादश भाव है उसमें 6 नंबर लिखा हुआ है। जैसे मैं दिखा रही हूं आपको, चार्ट बना के आपने ऐसे लिखना है और अब इनका टोटल कर लो, ठीक है? नीचे आपने इसका सम टोटल लिख लेना है। अब टोटल ये जितना भी आ गया 8, 9, 11, 4, 6, इसका टोटल करेंगे 38 आएगा, 38। तो ये आपने एक तरफ नोट कर लिया। अब दूसरा इसी के सामने आपने देखना है कि क्या आपके उन सभी जो हाउस हमने सिलेक्ट किए हैं, ये 5 जो घर है, इनमें कोई ग्रह बैठा है कि नहीं बैठा है। उसमें उस ग्रह का, जो भी ग्रह बैठा है, उसका मूलांक आपने इसके सामने लिख लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम देख रहे हैं जो लगन भाव है, जो फर्स्ट हाउस है, पहले घर में शुक्र बैठे हैं इस कुंडली में। तो शुक्र का जो मूलांक है, वो शुक्र का मूलांक हम लिख लेंगे। शुक्र का मूलांक हो गया हमारा 5। मूलांक की टेबल भी मैं आपको साथ में दिखा रही हूं, इसको नोट कर लो, आपके लिए इजी रहेगा। अब जो हम सेकंड हाउस देखे, सेकंड हाउस में इनके 3-3 ग्रह बैठे हैं, यानी कि सूर्य बैठा है, गुरु बैठा है, बुध बैठा है। तो ये तीनों ही बैठे, तो इन सभी का लिख लो सामने 7, 9, 6। ये सारा हमने नोटिंग कर लिया। 7 आपका सूर्य का हो गया, 9 जो है वो आपका गुरु का हो गया, और 6 जो है वो आपका बुध का मूलांक हो गया। इसके बाद आप चौथे घर में देखिए, चौथे घर में इनके अंदर चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा जो है वो 3 नंबर्स का मूलांक होता है, 3 नंबर लिख लीजिए। अब उसके आगे जो 9th हाउस है, जो नवा घर है, उसके अंदर जहां कर्क राशि पड़ी, 4 नंबर पड़ा, कुछ भी नहीं है, 0 लिख लीजिए। जहां कोई उस घर में अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो आपने 0 लिखना है। और उसके बाद एकादश में देखेंगे तो राहु बैठा है, तो राहु केतु का भी मूलांक आप 0 ही लिखेंगे, 0 ही लिखेंगे। अब इसका सम टोटल कर लीजिए, यानी कि 5, 7, 9 और 6, 3 और 0 और 0, ये सबको हमने टोटल कर लिया, 30 हमारे पास आया है। अब मूलांक का टोटल, जो ग्रहों जहां बैठे हैं वो, और प्लस जो हमारे जो हमने भाव लिखे हैं, भाव के जो राशि के स्वामी हैं, उन सभी का टोटल, ये टोटल मिला लेना, यानी 38, 30 मैंने जोड़ लिया। अब इसको जोड़ने के बाद मेरे पास आया 68। अब इस 68 को आपने डिवाइड करना है,
किससे डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि कुंडली में 12 ही घर होते हैं। अब इसे 12 से अपने हाथ से डिवाइड करना है, कैलकुलेटर मत लेके बैठना क्योंकि हमें इसमें शेषफल चाहिए। तो अब 12 से इसको डिवाइड करो, तो 12 से हमने 5 डाल करके डिवाइड किया ताकि 60 हमारे पास आ जाए। तो 12 5 60 60 हमने लिख लिया, 8 हमारे पास बच गया। अब जो शेषफल आपके पास आ गया उसको एक तरफ को नोट कर लो। अब आपने सेकेंड हाउस का स्वामी देखना है। टेबल में रेफरेंस के लिए आपको दे रही हूँ कि कौन से ग्रह का या कौन से नंबर के स्वामी कौन होते हैं। तो अब आपने सेकेंड हाउस में आपने देखा कौन सा नंबर है, उसके स्वामी को देख लो। अब इस एग्जाम्पल कुंडली में हम जो देख रहे हैं, तो इनके स्वामी जो है सेकेंड हाउस में, इनका नंबर पड़ता है 9। 9 के स्वामी हुए गुरु। गुरु जो है वो वहीं बैठा है, क्योंकि तो जहां भी बैठा है गुरु, अगर ये आपके थर्ड हाउस में बैठे या फोर्थ हाउस में बैठे, वहां से जो आपका शीश फल आया है उसके आगे बढ़ना है, ठीक है, उतने ही नंबर आपने आगे चले जाना है। तो कैसे, अब गुरु इनका जहां बैठा है, जो द्वितीय का स्वामी है गुरु, गुरु जहां बैठा है वहां से 8 हम स्टेप्स आगे बढ़ेंगे। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पहुंचा इसका भाग्य में। वहां पड़ती है कर्क राशि। कर्क राशि के अब स्वामी देखो कौन है, स्वामी हो गए चंद्रमा। अब इस व्यक्ति के लिए कह सकते हैं, अगर चंद्रमा की दशा इसके आती है तो चंद्रमा की दशा इसके लिए वो होगी जो इसको नाम भी देगी, सम्मान भी देगी, इसको विदेश भी पहुंचाएगी, इसको बहुत सारा धन भी देगी। अब क्योंकि चंद्रमा की दशा इस समय जो इसकी ऑनगोइंग दशा चल रही है, 27 अक्टूबर 2023 से इसकी बुध की महादशा प्रारंभ हुई है और ये 2040 तक इसकी बुध की महादशा रहेगी, और बुध में भी फिलहाल अभी बुध में बुध चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना, अगर दशा बहुत देर से आ रही है इसकी, जो गुड लक की जो महादशा मैं आपको बता रही, जो बेस्ट बीतेगी, तो वो जो है वो बहुत बाद में आ रही है, तो ऐसी स्थिति में आप अंतरदशा भी देख सकते हैं और प्रत्यंतर भी देख सकते हैं, उसमें भी वो ग्रह अच्छा देगा, सब्जेक्ट टू अगर वो ग्रह अच्छा बैठा है। अब कैसे अच्छा बैठा है, या तो वो ग्रह उच्च का हो, यानी चंद्रमा अगर इस कुंडली में उच्च का होता तो डेफिनेटली अच्छे फल देता, या वो स्वराशि को हो यानी कि 4 ही नंबर में बैठा होता, या फिर वो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। ऐसे में देख रहे हैं तो वो आपके केंद्र में पड़ रहा है, तो चंद्रमा की दशा इस व्यक्ति को जरूर अच्छे परिणाम देगी, लेकिन अभी नहीं आ रही, वो काफी देर बाद आ रही है। तो हो सकता है ये कह सकते हैं कि उस समय ये व्यक्ति ना हो या उसका पीक पीरियड तब तक ना हो। अब इस एग्जाम्पल कुंडली में जो हम ले रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारे पास आया है जो स्वामी बन रहा है, जो स्टेप्स हमने फॉलो किए उसके बाद, चंद्रमा की दशा इस व्यक्ति के लिए जो आ रही है वो 2073 में आ रही है, तो लगभग ये व्यक्ति उस समय 77 ईयर्स के आसपास का रहेगा। तो 77 जो ईयर्स है या उसके बाद का जो है, तो वो इसके लिए अच्छा रहेगा ऐसे कह सकते हैं, लेकिन इतना लंबा समय तो वेट नहीं किया जा सकता। तो आप फिर अंतरदशा भी देख सकते हैं, चंद्रमा की अंतरदशा जब भी आएगी बहुत अच्छी जाएगी। जब भी आपकी इनकी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा होगी तो उसमें लाभ करेगा, क्योंकि चंद्रमा अच्छा बैठा है। अगर लेकिन इस बात का भी ध्यान रखो, अगर आपका जो आ रहा है, जो आपने मेथड मैंने बताया है, उससे जो ग्रह आ रहा है वो अच्छी स्थिति में नहीं है, खराब है, नीच का है, आपका कोई अच्छा योग नहीं बना रहा है, राहु केतु के साथ है, तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो दशा आपके लिए अच्छी नहीं जाएगी। लेकिन अगर ये ग्रह अच्छा बैठा है तो ये आपको सब कुछ देगा, नाम सम्मान, यश कीर्ति, वैभव, पद प्रतिष्ठा और सक्सेस, सब कुछ देने के लिए ये जो ग्रह है आपको तत्पर होगा। और अगर कोई राजयोग बना रहा हो तो और भी उत्तम है, खूब बढ़िया आपको रिजल्ट देगा। वर्ष 2024 की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा जाए ऐसी प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।